दोस्तों, हम लोग जब भी रेत की बात सोचते हैं या बोलते हैं तो एक मरुस्थल का याद तक ही सीमित रह जाता है, जबकि हम लोग ये समझ नहीं सकते कि रेत का कितना उपयोग है। आज रेत नहीं होता तो इस घर में खड़े होकर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, उस पुल उस सड़क का उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए रेत बहुत ज़रूरी चीज़ है मानव जाति के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि रेत का निर्माण कैसे हुआ और उस मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, मरुस्थल का निर्माण में सबसे मेन कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मेन कारण एक ही कारण है और वो कारण है तापांतर का चट्टानों पर प्रभाव। दोस्तों, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कैसे। दोस्तों, विज्ञान का सामान्य नियम ये है कि जब भी कोई चीज़ गर्म होता है तो फैलता है और जब कोई चीज़ ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। तो जब हमारा जो पहाड़ है, पहाड़ वो जब दिन भर गर्म होता है तो फैलता है और रात के समय जब ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। और यही फैलने के लिए तो पूरा फैल जाता है, और लेकिन जब सिकुड़ने के लिए ऊपर का तो तेज़ी से सिकुड़ना चाहता है लेकिन नीचे का टेम्परेचर ठीक से ख़त्म नहीं हो पाता है, तो नीचे सिकुड़ नहीं पाता और उसी के वजह से दोनों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर दोनों बराबर गर्म हुआ, लेकिन जब रात हुआ तो ऊपर ठंडा पड़ा और नीचे ठंडा अच्छे से जा नहीं पाया, तो इसलिए ऊपर वाला जल्दी ठंडा होकर सिकुड़ने की कोशिश करता है और नीचे वाला गर्मी का सिकुड़ नहीं पाता है। इससे दोनों में तनाव पैदा होता है और ऊपर का परत टूट जाता है, और वो इतना बारीक तरीके से टूटता है कि हमें एक बार में नहीं दिखता, लेकिन वो टूटते रहता है। वैसे एक दिन, दो दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, महीना, साल, दस साल, सौ साल, समय के बाद यही हर रोज की खींचातानी में पहाड़ का ऊपर का चट्टान टूट के अलग हो जाता है। अब मान लो इतना बड़े बड़े टुकड़े अलग अलग टूटे, अब वो कहीं पड़ा है, अब फिर उसमें भी वही नियम चलेगा, दिन में गर्मी, रात में ठंडी, फिर तापांतर, फिर ऊपर के सतह और अंदर के सतह के बीच में तनाव, फिर ऊपर का सतह टूटेगा। वैसे टूटते टूटते छोटा होते होते एक महीन कण के रूप में हो जाता है, और वो महीन कण एक बहुत बड़े रूप में हम लोग के सामने दिखता है, जिसे रेगिस्तान कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, ध्यान सुनिए दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मरुस्थल कोई खास जगह क्यों नहीं होता? पहाड़ तो हर जगह है, पहाड़ तो अपना मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, साउथ इंडिया में है, लेकिन मरुस्थल राजस्थान में क्यों दिखता है? दोस्तों, वो भी मैं आपको कारण बताता हूँ। कभी भी मरुस्थल वही होता है जहाँ तापांतर हो, तापमान का अंतर हो। दोस्तों, तापमान और तापमान का अंतर अलग चीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि किसी क्षेत्र का ज़्यादा तापमान है तो इसका मतलब यह है कि उसका तापमान फिक्स है, अक्सर वही रह रहा है, लेकिन जब मैं तापमान का अंतर बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में ही तापमान में बहुत बड़ा डिफरेंट आता है। जैसे राजस्थान की बात करें, जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ क्या है, दिन का तापमान 50 डिग्री तक लगभग पहुँच जाता है और रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो यहाँ तापमान का अंतर ज़्यादा है, मतलब वही सिस्टम, जब दिन में 50 डिग्री वाली गर्मी होगी तो पहाड़ और चट्टान क्या होंगे, अच्छे से फैलेंगे, और रात को एकाएक ठंडी होगी तो फिर सिकुड़ेंगे। ऊपर का ज़्यादा सिकुड़ना चाहेगा और अंदर सिकुड़ नहीं पाएगा तो तनाव ज़्यादा होगा और ज़्यादा मात्रा में टूटेंगे। तो इसलिए रेगिस्तान वहीं पाए जाते हैं जहाँ तापमान का अंतर ज़्यादा होता है। अरब का रेगिस्तान वगैरह ये सब में देख लीजिए, वहाँ गर्मी भयानक होती है और रात को ठंडी भी वैसे भयानक होती है, इसीलिए वहाँ पर रेगिस्तान मतलब रेत बहुत ज़्यादा मात्रा में बना और रेगिस्तान का निर्माण हो गया। और दूसरी चीज़ बात करें तो तापमान के साथ कुछ और कारण भी है जो रेत बनाने में सहयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ जब एक बार तापमान पैदा हुआ, अब उसके बाद ऊपर का परत टूट गया, लेकिन क्या होता है कि ऊपर का परत बस टूट के वहीं रुक जाए तो भी नीचे का परत को प्रोटेक्ट करता है। कारण क्या है कि न वहाँ धूप ठीक से पहुँच पाता है, न वहाँ पर ठंडी ठीक से पहुँच पाता है, वो एक्चुअल में पैक रहता है अंदर का परत, लेकिन जब ये हवा चलती है ना तो ऊपर का टूटा हुआ परत को साफ कर देता है। इसके साथ में बारिश जब होता है तो ऊपर के परत को धो देता है, तो टूटा हुआ परत हवा से उड़ गया, बारिश से धुल गया, फिर अंदर का ताज़ा परत दिखता है, फिर उस पर धूप पड़ता है, फिर और क्रैक करते जाता है। इस तरीके से मतलब हवा और बारिश दोनों के दोनों चीज़ भी रेगिस्तान बनने में भूमिका निभाती है।
और तीसरा एक और कारण है, जो जीव जंतु इन पत्थरों के बीच में रहते हैं तो डायरेक्ट वो डैमेज नहीं कर पाते, लेकिन जब वो जीव जंतु रहते हैं अपना मलमूत्र त्याग उसमें जब करते हैं पत्थरों में, तो उसके केमिकल की वजह से, उस केमिकल की वजह से भी पत्थर टूटते हैं और रेत का निर्माण होता है। दोस्तों ये तो मरुस्थल की बात, अब फिर अब रेत बढ़ते जाएगा और जब बढ़ा हुआ रेत ही क्या होता है, मरुस्थल का रूप होता है। दोस्तों इस तरीके से जब रेत बनता है ना, तो वो रेत परत दर परत बिछे जाता है। रेत बना, हवा उसको उड़ा के ले गया, फिर एक नीचे रखा, फिर अगला रेत बना, फिर हवा उड़ा के ले गया, नीचे रखा, तो एक लेयर बाय लेयर करके एक रेत का एक परत मतलब एक तैयार हो जाता है। अब ये तो मरुस्थल की बात हो गई। अब दोस्तों एक वर्ड है जिसे सबको जानना चाहिए, जो ज्यादा लोग नहीं समझते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले तो इसे अच्छे से समझ ही ले। वो वर्ड का नाम है मरु उद्यान। ये मरु उद्यान क्या होता है, मैं आप लोग को इसको समझाने का तरीका बता रहा हूं, अच्छे से समझने का तरीका। सॉरी, देखिए गर्मी के दिन में गर्मी जम के करता है, लेकिन उसके बीच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि गर्मी के मौसम में भी एकदम आराम से कभी कभी बारिश अच्छा खासा हो जाता है, मौसम एक दो दिन के लिए सही सुहाना हो जाता है। तो मौसम गर्मी का, लेकिन एक दो दिन के लिए मौसम सुहाना हो गया। उसी तरीके से रेगिस्तान में पानी का कोई अता पता नहीं रहता, दूर दूर तक एकदम खाली जमीन रहता है, सूखा रहता है, लेकिन उसी सूखे मरुस्थल में रेगिस्तान में कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि एक पानी का कोई तालाब मिल जाता है, और वो पानी के तालाब के पास अगल बगल खूब सारे पेड़ उग जाते हैं, और लेकिन उसका एरिया बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा। अबे मरुस्थल के अंदर उद्यान है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मरु उद्यान। मतलब मरुस्थल में चलते चलते कहीं पर आपको ऐसा दिखेगा कि दूर से एकदम हरा पेड़ वगैरह ये सब है, तालाब है, पानी है, और थोड़े क्षेत्र में दिखेगा, फिर आगे कुछ नहीं दिखेगा, उसी भाग को मरु उद्यान कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।